कैसा दा है रही हो? मैंने सुना था वीडियो ने लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो हो। अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब भी करो हो। कर दियो फिर फटाफट। राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज एक और नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। पहले वाली वीडियो तो इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। आगे चलते हैं हम एक और नई वीडियो में। तो आज मैं किसी एक स्पेशल मुद्दे पे बात कर रही हूँ, जो तुम पहला भी समझ गए होंगे और पहला टाइटल और थंबनेल देख कर पता लग गया भाई किसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ने ज़्यादा ना बढ़ाते मेन बात पा जाए अमित बोस नरवाना के ऊपर। भाई वो उसकी वीडियो थोड़ी अटका हुआ है, वो ना अलग वीडियो बना हुआ है, फनी वीडियो बना हुआ है। और जो ये वीडियो बना वो एडवर्टाइजमेंट की बना हुआ है। ठीक है, जहाँ भी वो बैटरी वगैरह फेंका है, कपड़े कुपड़े कुछ भी सामान उलट पुलट करा है, अपने ऊपर फेंका है, उधर फेंक इधर फेंक, जो भी करा है वो एडवर्टाइजमेंट खातिर करा है। तो भाई जब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसने प्रॉब्लम नहीं है, जो करवा रहे हैं उनने प्रॉब्लम नहीं है। भाई उनने कुछ प्रॉफिट होता होगा, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा, उसकी सेल है जो बढ़ती होगी, कस्टमर आंदे होंगे, तभी वो करवा रहे हैं उस पर बार बार। ठीक, इसलिए वो कर रहा है उनने बार बार। तो उनने प्रॉब्लम नहीं, करवाने वाला ने प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों ने बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम है उस बेचारे थे। देख भाई, मैंने तो बिल्कुल सही है, साफ दिल का सच्चा इंसान है। बाकी बात करी जावे उसकी हरकता की, उसकी वीडियो की, तो मैं एक जवाब देना चाहूँ था हमने, जिस जो उससे नफरत करा है, उसने पागल बतावा है, ये तो वो है, ये तो वो है, लेकिन सब ने उसकी वीडियो देख कर ना एक स्माइल आया फेस पे, सबका हंसी आवा उसकी वीडियो देख कर ना। ठीक है, ये मैंने एक बात बताओ, सोशल मीडिया भरी पड़ी है। ठीक है, आधी तभी ज्यादा दुनिया सोशल मीडिया पर रही है। जिन्हें तुम देखो हो, जिनकी वीडियो तुम लाइक करो हो, जिन्हें तुम शाने मानो हो, उनने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है दुनिया खातर? नु बता दो मैंने, उनने कौन से रिकॉर्ड इसे बनाए हैं कि हाँ वे तो इतने बढ़िया हो गए, उन्हें तो इतने लाइक करो, इतना वो करो। लेकिन इसने बेचारे ने के बिगाड़ दिया कि हम इसने गाल दे हो, इतनी नफरत करो, वो करो हो। सबका अपना अपना टैलेंट है। ठीक है, जिन्हें तुम ना लाइक करो बतेरी सी है, जो नंगा नाच करा है बतेरी सी है, जो कति उदमस्तार कर रखा है सोशल मीडिया पे, इतनी इतना गंद इतना गंद इतना गंद भरा पड़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और जिनके बतेरे था हमें जो ओवर एक्टिंग की दुकान हुआ, व्लॉग दिखावा ऊपर तक कुछ हुआ भीतर तक कुछ हुआ है, जो ये व्लॉग दिखावा इतने, इनने क्या करा अलग ही सा? इनने ही अलग क्या करा जी? था इन्हें लाइक करो, इन्हें नहीं लाइक कर दे, ये सिर्फ इसकी वीडियो इसी हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट हुआ है जो इसकी है, सिर्फ अगला था ताकि उनकी सेल ज्यादा बढ़े, उनने प्रॉफिट मिला। ठीक है, इसकी तो भाई इतने तो इसके तो फिक्स पैसे हैं, जिसने इसने लेने होंगे एडवर्टाइजमेंट के तो मिल जाएंगे। लेकिन ये अगला नुच्चो है कि मैं ऐसी करूं कि कस्टमर आवे और इन्हें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो दुकानदार उससे पैसे देकर करवा रहे हैं, तो भलाई कर रहे हैं ना लोगों का, अच्छा काम में कर रहा है, जो दुकानदार उस पर करवा रहे हैं उनका फायदा ही कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं है जहां तक देखी जावे। अरे बात जिनकी हम जिन्ना वो करो, इसने शादी करी बेचारे ने, पूरा थाल रुपया का भरा इसने वापिस दे दिया, सिर्फ 1 रुपये का रिश्ता करा इसने। ठीक है, ना उन पर कोई दहेज लिया, ना उन पर कोई फर्नीचर का सामान लिया, कुछ भी नहीं लिया, कितना बढ़िया काम है यो। बाकी एक यूट्यूबर ने बता दे जो लाखों लाखों रुपये कमावा महीने के, कई कई लाख रुपये कमावा है, उनने कौन से ऐसा काम करा है जिन्हें थम कति पसंद करो हो, जिनके कति दिन रात गुण गाओ हो, बोले होगा कमेंट करो जिनकी वीडियो पर, हाय था हमें सब कुछ हो नू हो, उनने बताओ ऐसा कौन सा काम करा है? गरीबा की हेल्प करे बेचारा की। ठीक है, शादी इसने 1 रुपये की करी, जिसमें बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया मैसेज इसने दुनिया तक दिया है। ठीक, अरे वो बात आ जाए फिर, वो मैंने पहला बता दिया है। तो ये मैंने नू बताओ, जो से यूट्यूबर आ गए थे हम गुण गाओ, जिनकी वीडियो देखो हो, इनने कौन सा ऐसा बढ़िया काम करा है? इसका मैंने बता दिया इन्हें कि बढ़िया काम करा, सब ने इज्जत तो बोला है, सब ने राम राम करके बोला है, सब ने प्यार तो बोला है, चाहे कोई बच्चा हो कोई बड़ा हो, सब ने रिस्पेक्ट दिया, सिर्फ एक यो थोड़ा सा ओवर बोला है। ठीक है, और अपने ये भी सबके भाई अपने अपनी अपने अपने वो है तरीका बोलने का, ये शायरी की टाइप में बोलता रहा है, हर एक जगह हर एक बात ने शायरी के उसमें बोलता है, ये सबका अपना अपना तरीका हुआ है। ठीक है, तो फिर ये बात करी जाओ तो है तो यो भी इंसान है, इसका यो टैलेंट है, यो अपना इसके अंदर यो टैलेंट है कि यो इस तरीके से वीडियो बनावा है और लोगों ने पसंद आवा है, वायरल हो जाए। ठीक है, इफ हमें एक किसी ने बिठा कर देख लो, किसी ने बिठा कर देख लो सोशल मीडिया पे, अगर उस बंदे की एक वीडियो वायरल हो जाएगी ना, तो
तो वो सेम उसी डायरेक्शन में चल लगा और उसी टाइप की वीडियो बनानी स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, इनको नहीं कहूंगे तू भी तनु है। मैंने नु कहा कोई भी उठा कर देख ले यूट्यूब पे, मैं इतना वो नहीं करती कि हाँ मैंने को नहीं, जो जीसा है वो उसा दिखाना चाहिए और उसा रोना चाहिए। ठीक है, किसी ने भी उठा लिया था। हम एक 15 अगस्त पे एक वीडियो वायरल हुई थी, साइकिल चला रही थी और छोरी यार साइकिल पे वीडियो बना रही थी जिसने झंडे झुंडे लेकर है, उसकी बाद वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद उसके चैनल पर जाकर देखो ए टू जेड वीडियो साइकिल पे बनाए रखी है। किसी का कुछ भी वायरल हो जाओ सेम उससे वो ही चीज बनाने लग जाए, तो वो ही चीज इसने करी बेचारे ने। इसकी एक या इस तरीके से वीडियो वायरल होगी, इस तरीके से किसी दुकानदार की सेल बढ़ गई होगी, तो ठेके सारी एडवर्टाइजमेंट इसी तरीके से करने लग गया। एक वो होया था रोक दे मित्र वायरल होया था, उसका सिर्फ क्या था, वो डायलॉग कुछ भी नहीं था, अगले ने सिर्फ नॉर्मली बोला था, तो सारी चीजें रोक दे मित्र करने लग गए थे ना। तो इतना तो हमने भी बेरा अपने देश में बेड़ चाल है। ठीक है, एक चीज कुछ वायरल हो जाएगी ना, सब उसके पीछे बाज लेंगे, सारे उस पर बना लग जाएंगे, हमारी भी वायरल होनी चाहिए, हमारी भी वायरल होनी चाहिए। तो फिर इसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो हम इससे इतनी गाल दे हो, इतनी वो करो, और शर्म तो जमा ई उतर गई कि इतनी हद पार कर दी कि बेचारा पीट भी दिया। ठीक है, मतलब पिटने से पहले इतना सोचना चाहिए कि इसकी वाइफ का क्या होगा, इसका होने वाले बच्चे का क्या होगा। मतलब इंसानियत नाम की चीज कती नहीं रही है दुनिया में, इतनी इतनी मतलब देखी नहीं है मैंने, इतने हद तक गिर जाए कोई कि बेचारा पीट भी दिया वो। उसकी गला एक और था, वो पीट मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें कह रहे थे भाई हम जा रहे थे कहीं और रोक का नाम पीट दिया, सिर्फ क्या कहें जो उसने गधे वाली वीडियो बनाई थी। चल भाई वो गधे पे बैठा, वो उसकी इज्जत है, वो उसकी रिस्पेक्ट है, वो उसका दिमाग है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मैंने क्या कहूंगे क्या नहीं, तो थम क्यों भड़क ले हो, थम क्यों भड़क ले हो। अगर किसी के घर में टोटा है, गरीबी है, उनकी ना हेल्प कर देते हम जाकर, इतने थम हम इतनी दुनिया की इज्जत ना अपनी इज्जत मानो हो। गुणे गुणे देखे मैंने इस पर कि इसने गांव का नाम हटा नू कर तू तो कर रहा है, गधे पे बैठे बेइज्जती करवा रहे, यो करवा रहा है, थारा नाम लिया हो, थारे बालका का नाम लिया हो, थारा किसी का भी उसने नाम लिया हो जो उनसे उस तक गाल दे मैं बेचारे थे, थारा किसी का उसने कोई नाम नहीं ले रखा। ठीक है, तो फिर थम क्यों जड़ो भाई, थम क्यों वो करो कि मारी बेइज्जती करे, वो उसकी इज्जत बेइज्जती उसकी गला है, वो उसकी जिंदगी है। ठीक है, नहीं थम क्यों टेंशन ले हो। तो इतनी भी ना गिरना चाहिए कि भाई देखो बेचारा पीट जा, खुदा ना खास्ता उसका कुछ हो जाता बेचारे का, भगवान की मतलब बहुत शुक्रिया कि बेचारा बच गया, इंसानियत ना जिंदा रखो। ठीक है ना, इतने भी ना वो करो, वो उसका टैलेंट है, सोशल मीडिया गंद तय भरी पड़ी है, अगर हटाने वाले हो ना उन गंदा ना हटाओ। ठीक है, यो तो बेचारा कुछ नहीं करता, इसकी बू बेचारी को कुछ नहीं करती, बढ़िया तरीके का रहा है, सही डाला रहा है, यो भी बढ़िया डाला वीडियो बनावा, फनी वीडियो बनावा फनी वे में। ठीक है, ऐसा कुछ गलत करता नहीं। तो अगर हम इतने समाज के ठेकेदार हो, इतना भला करना चाहो जो उनका गंद मचा रखा है लोगों पे, कल मैं वीडियो लेकर आऊंगी सोशल मीडिया पे वायरल के चीज हुआ है ना उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी, और वह देखे फिर बताइए था हम जो उनसे सोशल मीडिया के समाज के ठेकेदार बनाए ना उस पर दियो था हम जवाब, इसे इसे बेचारा का कोई वो कसूर नहीं, तो फनी वीडियो बनाओ इसमें क्या है। ठीक है ना, तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, कुछ नहीं बेरा, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं है कि क्या दिन की जिंदगी है, एक मिनट का भरोसा नहीं है, मिलजुल कर रहना चाहिए, सच्चे रिश्ते रखो, दिल तो निभा कर रखो। अगर कोई बोल रहा है कोई वीडियो बना रहा है तो हम देखो बात खत्म, पसंद है लाइक कर दो शेयर कर दो, नहीं पसंद है तो अपना भाई छोड़ दो, इतना थोड़ा नहीं हो जाएगा कि उसने मारने तो ही चले जाओगे और उस तो गाली गलोच उसने कमेंट तो ही ऑफ करनी पड़ जाएगी, इतना थोड़ा नहीं होया करा। अगला ऐड कर रहा है अपने घर चला रहा है अपनी कमाई, सारी दुनिया इतनी दुनिया इतनी दुनिया गंद तक गंद मचा मचा कर ना करोड़पति बन रहे हैं, तो उसने के चाले कर दिया करो बेचारा कर रहा है, तो वो बोलने का उसका टैलेंट था, पसंद आया तो देख लो, नहीं हो तो नहीं भाई, ना तो मैं उसके किसी फेवर वो कर रही हूँ कि हाँ मैंने उसने मेरे तक कहा कि मेरे फेवर में नहीं, बस मैंने जो मैंने शुरू तो मेरी याद आता है कि जो मैंने अच्छा लगा मैं उसके ऊपर बोलूँ, जो मैंने अच्छा नहीं लगता मैं उसके ऊपर भी बोलूँ, जो सच्चाई है मेरी वीडियो उसके ऊपर है। तो मैंने यह चीज बहुत खटकी कि उसके लिए इतना क्यों वो कर रहे हैं, उसने हालांकि ऐसा कुछ करा नहीं है, जो इतना गंद मचा कर रखा है ना, अगर उसने कहने वाले ना तो उन्हें रोको, उन तक हो उन्हें तो बैज बैज कर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल, कमेंट तो भर देंगे, सो नाइस सो क्यूट फलाना डिमकाना के तक इतना वो कर देंगे, उन तक गाल दिया करो। ठीक है ना, तो करने की जगह काम करा करो, बेमतलब में टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी वीडियो थी, और भाई अमित अगर तने मेरी वीडियो पहुंच जाते रहते ही अगर तने पसंद आवा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर किसी भी मेरी बात का तने बुरा लग गया हो या कुछ भी गलत लग गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो ने लाइक भी करियो शेयर भी करियो, और जिसने भी अच्छी लगा मेरी बात प्लीज कमेंट करियो कि हाँ बहन कहीं तक तू सच भी बोल रही है,
या झूठ बोल रही है, जो भी है जरूर बताइयो। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत मस्त और धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय माता दी।